गर्मी से पूरे उत्तर भारत का जीना मुहाल हो चुका है। अब हरियाणा में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश का पारा 50 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। सिरसा में सबसे ज्यादा 50.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं हिसार में 49.5 सेल्सियस पारा दर्ज हुआ है। तो वहीं तीसरे नंबर पर 9 जिले 49 डिग्री दर्ज किया गया है पारा। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। डॉक्टर लोगों को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से आप बाहर निकलिए। और ये देखिए चार तस्वीरें, नूह की तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर बिल्कुल तापमान दिखता हुआ। फरीदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, चरखी दादरी की तस्वीर देखिए बहादुरगढ़ से। ये चार तस्वीर है जो हरियाणा की, चार तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से 50 डिग्री पार कर चुका है तापमान यहां पर। यहां पर आपको बता दें कि अस्पतालों में भारी संख्या में मरीजों को आप देख रहे हैं। चरखी दादरी की तस्वीर देखिए, बहादुरगढ़ की तस्वीर देखिए किस तरह से अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं। गर्मी की वजह से 50 डिग्री पार कर चुका है पारा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हैं, गुरुग्राम से आकाश खुराना जुड़े हैं, तो दीपक मुट्रीजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप देख रहे हैं कि किस तरह से तापमान बढ़ रहा है, भीषण गर्मी के लोग शिकार हो रहे हैं, अस्पताल में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जहां पर है वहां पर क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं, पारा कितना है वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मौसम जो है वो काफी गर्म हो चुका है, इस मौसम के अंदर इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि सड़कों पर कोई व्यक्ति ना हो, एक तरह से काफी गर्मी जो है इस तरह से है। आपको बता दूं कि डॉक्टर मीनू हमारे साथ है जो कि विशेषज्ञ है, मौसम वैज्ञानिक भी है। अब इनसे बातचीत कर लेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि किस तरह के हालात जो है वो भिवानी में बने हुए हैं, क्योंकि फिलहाल जो मौसम है वो 43 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है, और शाम को जैसे जैसे समय बढ़ता है, एक घंटा जो है बढ़ता जाता है, तो मौसम जो है और ज्यादा गर्म हो जाता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? जैसे हम देख रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन से जो हमारा टेम्परेचर है वो 43 से 47 डिग्री के आसपास है, तो इंसान के साथ साथ हमें देख रहे कि जो किसानों की फसलें हैं उन पर भी काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके किसानों के साथ साथ जो हमारी फसलें हैं वो भी झुलस रही हैं। तो इस कंडीशन में किसान भाई क्या ध्यान रख सकते हैं, वो थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि एक तो जो हमारे भिवानी की मुख्य फसल जो फिलहाल है वो कपास है, तो उसमें हम ये देखा जा रहा है कि जिनकी फसल छोटी अवस्था में है, 30 से 40 दिन की मतलब महीने से कम की फसल है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिंचाई लगा रहे हैं। किसान बार बार वो सिंचाई दे रहे हैं उसको डेली, तो उससे क्या हो रहा है कि ऊपर से जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो जैसे ही वो सिंचाई दे रहे हैं तो वो झुलसा रोग के सिम्टम जैसे दिखा रहे हैं, लेकिन वो झुलसा रोग वो है, वो एक विल्टिंग के सिम्टम दिखा रहा है कि जैसे पत्तियां जो है वो पौधा है वो झुलसा हुआ से दिखाई देता है, उसकी पत्तियां है वो मुड़ी हुई से दिखाई देती है। तो इस अवस्था में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सिंचाई है वो हमें डेली नहीं देनी। अगर 30 से 45 दिन से छोटी है जो हमारी कपास की फसल है, तो किसान भाई ये कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को रोक के रखें, मतलब सिंचाई को अभी रोक के रखें थोड़े दिन तक, क्योंकि इससे क्या होगा जो कपास की फसल की जड़ें हैं वो उतनी ज्यादा गहरी जाएंगी, और जो पोषक तत्वों को जितनी जल्दी जितनी गहरी जड़ें होंगी उसकी उतना ही वो पोषक तत्वों को ज्यादा अवशोषित कर पाएंगी, और नीचे जमीन से जो पानी है वो भी ज्यादा अवशोषित कर पाएंगे। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहेंगे, वहां से जो मौसम है वो काफी गर्म है, इस तरह का मौसम जो है वो जनता के लिए भी बुजुर्गों के लिए भी काफी परेशानी बना है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कहते हैं कि सुबह और शाम को ही घर से बाहर निकले और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, आप क्या मानती है कि टेम्परेचर जो है कितना हैवी होने की संभावनाएं और अधिक है, कब तक ये मौसम इसी तरह सताएगा, इसी तरह परेशान करेगा? देखिए अगर मौसम विभाग के अनुसार देखें तो टेम्परेचर में और बढ़ोतरी होने की संभावना है अभी, तो इसलिए किसानों को भी और मनुष्य को भी ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। किस तरह से सतर्क रह सके मनुष्य, किस तरह के पदार्थ ले सके, किस तरह के तरल पदार्थ जो है वो लेता रहे ताकि गर्मी से बचाव हो सके? एक तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड है वो कंज्यूम करें, और जो जैसे मिलावट हम देख रहे हैं फ्रूट्स में वो ना ले, तो उसको पहचानने की भी जो डॉक्टर हैं चिकित्सक हैं वो समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। इसके अलावा फसलों में जो है वो कृषि तो डॉक्टर मेनू को आप सुन रहे हैं किस तरह से वो लगातार बता रही है कि स्वास्थ्य को लेकर आप किस तरह से अलर्ट रहिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, राजधानी में क्या कुछ किस तरह से पारा है, तापमान बढ़ रहा है, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ राजधानी में आप देख पा रहे हैं?
देखिए राजधानी दिल्ली की बात करें तो लू की स्थिति लगातार बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कई जगह ऐसी है जहां पर कल के दिन की बात करते हैं तो रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। कई जगह ऐसी थी जहां पर जो सेकेंड हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में भी 29-30 तारीख तक इसी प्रकार की स्थिति जो है गर्मी को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ये जो है फिलहाल मौसम विभाग अपनी जो अपडेट है वो देता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे इंडिया गेट है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो इंडिया गेट की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो पर्यटक है वो यहाँ पर जो है आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पर्यटक आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ की छाव है उसमें जो है अपने आप को बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं अगर जानकारी दूं कि कल यानी जो बीता हुआ कल है वहां पर रिकॉर्ड टेम्परेचर इस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आया। आगरा की बात करें तो 48.6 डिग्री टेम्परेचर था जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है आगरा में जो है किया गया। इसके अलावा हमीरपुर की बात करें हिमाचल की, वहां पर 48.2 डिग्री टेम्परेचर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। नारनौल हरियाणा में पड़ता है 48.5 डिग्री जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो नारनौल में देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से रोहतक में 48.1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। तो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो स्थिति है वो दिल्ली में और खासतौर पर उत्तर भारत की बात करते हैं तो वहां पर गर्मी को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर लोग बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन गर्मी से किस तरीके से बचाव होता हुआ नजर आए उसको लेकर भी उपाय जो है जो लोग है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। स्पर्श मौसम विज्ञान विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, कुछ ऐसा लगता है कि गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही हो? देखिए मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन और जो है इसी प्रकार की स्थिति जो है वो आज जो है बनती हुई जो है नजर आएगी। यानी अभी भी जो गर्मी है उससे लोगों को जो है रूबरू कहीं ना कहीं जो है होना पड़ेगा, दो चार कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। और इसको लेकर जो वार्निंग है या फिर कहें कि जो गाइडलाइंस है वो भी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा जो है घरों से बाहर ना निकले। और उसके साथ साथ घरों से बाहर निकल रहे बाजू के जो कपड़े हैं वो आज जो है पहनकर निकले, पानी जो है ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि डिहाइड्रेशन की स्थिति जो है ना उत्पन्न होती हुई नजर आए। तो तमाम जो है बचाव करते हुए नजर आए। तो हीट स्ट्रोक का खतरा है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पर्यटन स्थल होने के बावजूद जो इंडिया गेट पर स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो कुछ इस प्रकार की है कि अभी जो पर्यटक है वो जो है नहीं देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं घरों से बाहर तो वो भी कहीं ना कहीं पेड़ों की छाव में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हिमानी चलेंगे दीपक मोटरजा के पास। दीपक, वहां पर आप डॉक्टर से बातचीत करते हुए नजर आए थे, वहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से रहना है, लेकिन फिलहाल जो जमीनी स्तर की वहां पर चीजें हैं, वहां पर तापमान किस तरह से बढ़ रहा है और मौसम विज्ञान विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, किस तरह से तापमान रहेगा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं वो हालात काफी गंभीर बने हुए हैं क्योंकि गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है। जिस प्रकार से डॉक्टर मीनू ने बताया था, डॉक्टर मीनू से मैं आपको फिर से जोड़ना चाहूंगा, उनसे बातचीत करवाऊंगा क्योंकि मौसम इतना गर्म है कि जो हमारे फोन थे मैम वो भी जो है टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है उनका जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है। मैं आपकी फोनों के ऊपर जो है एक बड़ी बात कराता हूँ उनसे जानकारी के लिए। जी जी, हेलो दीपक, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी मैम। किस तरह से मैम रहे, क्योंकि देखिए पारा 50 डिग्री का पार पहुंच गया है, लगातार जो ये गर्मी की भीषण गर्मी देखी जा रही है आम जनजीवन का, जो पूरी तरह से आम जनजीवन पर पूरी ये प्रभावित कर रहा है, तो लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या करें, उनके लिए कुछ जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि जो तापमान में है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले जो 10 दिनों से हम काफी ज्यादा जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें किसान भाइयों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली जो हमारी मुख्य फसल है कपास, इससे प्रभावित हो रही है ज्यादा तापमान से। वो क्या है कि सूखेपन के जो लक्षण है वो दिखा रहा है जो कपास का पौधा है, तो उसमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि उसमें जो सिंचाई है वो बार बार नहीं करनी। अगर 30-45 दिन से कम अवस्था है कपास की फसल की तो उसमें कोशिश करें कि जो सिंचाई है वो अभी रोक के रखे थोड़े दिन,
ताकि जो उसकी जड़े टैप रूट सिस्टम है जो हमारी कपास के पौधे का वो डेवलप हो पाए अच्छे से, ताकि वो जो पोषक तत्व है पोषित कर पाए। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीनू आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर गर्मी में आप बच के रहिए, घर से बाहर निकलिए, जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए आप। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे।